पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच में बहुत ही कांटे की लड़ाई है। इसी चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता रवीश साहू। आइए इनसे जानते हैं कि क्या माहौल है, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। सर, ये बताइए इस चुनाव में क्या स्थिति, क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, माहौल देख करके तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। यहाँ की जनता फिर से अब बदलाव चाहती है। एक बार बदलाव सीपीएम की दुर्नीतियों से चाह रही थी, तो उन लोगों ने तृणमूल को 2011 में सत्ता पे लाया। अब वो दुर्नीति और बढ़ गई, तो यहाँ की जनता अब फिर से मन बना चुकी है कि 2021 में फिर से बदलाव करने जा रही है। और जनता के सामने अभी एक ही विकल्प बचा है जो दिखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही लोग चुनने जा रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों विकल्प बची है? क्योंकि पहले तो CPIM भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ हो रहा है, उभार है, इसके पीछे कारण क्या है? लोग, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि लोग मोदी जी की कार्यशैली को पसंद कर रहे हैं। इसके पहले 2011 में CPM की सरकार थी, उसी से मुक्ति पाने के लिए यहाँ की जनता ने तृणमूल को चुना था। इस बार चुनाव में देखा जा रहा है कि CPM और कांग्रेस फिर से मिलकर के एक साथ लड़ रहे हैं। और पिछले 9 सालों से जो तृणमूल की सरकार रही, अब स्पेशली कहूँ तो 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में BJP का ग्राफ निरंतर बढ़ा है, और ख़ासकर 2019 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लगभग हम लोगों ने देखा कि 40-42% जनता ने यहाँ पे BJP को अपना समर्थन दिया था, और लगभग 18 सांसद यहाँ से चुन करके गए थे। तो इस हिसाब से लगता है कि अभी यहाँ की जनता के लिए एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। अचानक से इतना ग्रोथ क्यों? देखिए, लोगों के मन में एक रोष होता है, गुस्सा होता है। जब गुस्सा आता है तो लोग सोचते हैं कि अब इनको हटाना है, और हटा करके, जैसे मैंने पहले इसके पहले बताया अभी, कि लोग नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे कटमनी को लेकर के लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका है कि लोग अब इससे मुक्ति चाहते हैं। तो यही एक कारण, सबसे मुख्य कारण है कि कटमनी और ये जो गुरुपाचार, महिला असुरक्षा की बात हो रही है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है नहीं, जॉब को लेकर के जो कुछ दुर्नीतियाँ होती है, यहाँ पे जॉब को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानी है कि एक SSC टीचर वगैरह का अपॉइंटमेंट को लेकर के भी इतना दुर्नीति है कि एग्ज़ाम होता है और बच्चों को SMS के माध्यम से बताया जाता है कि आप पास हो गए या फिर आप फेल हो गए। मतलब SMS के माध्यम से बता रहे तो ठीक ही है, सबको घर पे बैठे बैठे पता चल गया। इससे कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों को जॉब मिली, क्या बेसिस है अपॉइंटमेंट की, किस बेसिस पे अपॉइंटमेंट किया गया, किनको किनको जॉब दिया गया? ये जो ट्रांसपेरेंसी एक होती है चीज़ों की, जॉब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब सूची नहीं प्रकाशित की जाती है कि सबका इसका हुआ है? नहीं, सूची प्रकाशित नहीं होती है। जिन जिन मिनिस्टर के हाथ में पैसा जाता है, जिन जिन कैंडिडेट्स का, उनका उनके घर पे SMS चला जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जिनका जिनका पैसा मिनिस्टर के पास नहीं गया, उनको जॉब नहीं मिलता। तो ये हालत है यहाँ पे। तो जनता यहाँ से अब इससे मुक्ति चाहती है, इसीलिए बदलाव चाहती है। आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर में क्या देख रहे हैं, क्या समस्या? लॉ एंड ऑर्डर बोल करके कुछ है नहीं यहाँ पे। अगर जेन्युइनली कहूँ तो लॉ एंड ऑर्डर बोल करके कुछ है नहीं। यहाँ की सरकार, यहाँ के मंत्री विधायक जो कहेंगे, यहाँ की पुलिस वही करेगी। लाइक एक जो तृणमूल की ऑफिस बोल लीजिए, पार्टी का प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स बोल लीजिए, वैसे काम कर रही है। आप एक साधारण जनता है, जहाँ तक मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैंने पढ़ा है कि 154 CRPC में बाकायदे लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके के कॉग्निजेबल ऑफेंस में बाध्यता है कि आपको FIR लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है, स्टेट ऑफ UP वर्सेज ललिता कुमारी, जिसमें पश्चिम बंगाल भी एक पार्टी थी उस केस में, जहाँ पर खास करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR लेना ही पड़ेगा। मगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी एक बार IC साहब देखेंगे, फिर ACP देखेंगे, इस तरीके से लोगों को घुमाया जाता है, उसके बाद FIR दर्ज कराया जाता है। तो जनता न्याय के लिए कहाँ जाएगी? तो न्याय प्रक्रिया और लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बदतर स्थिति अगर पूरे देश में है तो अब पश्चिम बंगाल है। और चुनाव आने जा रहा है, आप धीरे धीरे देखेंगे चुनावी हिंसा में कोई राज्य अगर सबसे ऊपर है तो वह है पश्चिम बंगाल। आए दिन यहाँ पे मारपीट होता रहता है। कई बार इसलिए यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या फिर लीडर्स हैं, वो हमेशा मांग करते रहे कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे या फिर केंद्रीय बलों के निरीक्षण में
उनके ऑब्जर्वेशन में चुनाव हो, तो ये उनकी मांग रही है। स्थिति साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे अगर यहाँ की पुलिस के अंडर में अगर चुनाव करवाया जाए तो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव नहीं होने वाला यहाँ पे। हम लोग भी घूमते हैं, ग्राउंड पे घूमते हैं, तो देखते हैं कि लोग जो है कैमरे पर बोलने से डर रहे हैं, भय कर रहे हैं। तो जो लोग मतलब भय का माहौल है तो उनकी तो आखिरी उम्मीद आप ही लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं। बात ऐसा है कि एडवोकेट को भी यहाँ की सरकार ने छोड़ा नहीं। 2019 में बताऊँ मैं, मुझे याद है, चूँकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जिस इलाके से आता हूँ, हावड़ा से, हावड़ा कोर्ट के ठीक बाहर 2019 में एक रैम्पेज हुआ था जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया था कि अधिवक्ताओं को चार्ज करो, उनको मारो। हावड़ा कोर्ट के अंदर घुस करके पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा था, लाठियां चार्ज हुई थी, जज साहब अपना प्रोसीडिंग चला रहे हैं, उसके बीच में झगड़ा होता है, न्याय अधिवक्ताओं को भी नहीं मिला। तो जब हम लोग खुद अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं तो साधारण जनता को न्याय दिला पाना, ये कभी कभी हम लोगों को भी फील होता है कि हम लोग एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं और एक ऐसा पेशा है लाइक प्रोफेशन जहाँ पे लोग हमारे पास एक उम्मीद से आते हैं कि कहीं पे अगर मेरी बात की सुनवाई नहीं हो रही तो कोर्ट में मेरी सुनवाई होगी। मगर कोर्ट में जो लोग अधिवक्ता जो साधारण जनता की हक की लड़ाई लड़ते हैं उनके साथ भी बेईमानी की जाती है, उनके साथ भी एट्रोसिटी होती है, तो लोग कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बोल लीजिए या फिर जस्टिस सिस्टम को बोल लीजिए, बहुत दुर्नीति है, बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। सर इतना बदलाव, इतनी स्थिति ख़राब कैसे हो गई? क्योंकि जब ममता दीदी आई थी 2011 में तो बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ मतलब इतना कैसे गड़बड़ जैसे लोग बता रहे हैं। देखिए उनका नाम ममता है और चूँकि एक महिला रही हैं, ममता और महिला का बहुत पुराना संबंध रहा है। महिलाओं से ही लोगों को रहता है कि जैसे मेरे घर में माँ है, महिला है, मुझे अपेक्षा रहती है कि मेरी माँ है, कोई अगर दुनिया में मेरी बात नहीं सुनेगा तो मेरी माँ मेरी बात सुनेगी। महिलाओं में एक ममता का चीज़ रहता है, तो एक ममता और महिला दोनों का एक कॉम्बिनेशन टाइप का आया था, लोगों के मन में विश्वास जगा था और वो हक के लिए लड़ी थी उस समय, तो लोगों को लगा था कि हमारी हक की लड़ाई लड़ेंगी, मेरे हक की जो मुझे मिलना चाहिए वो मिलेगा। मगर 9 सालों में जो देखा जनता ने, 1% भी जो अपेक्षा थी लोगों की सरकार के प्रति वो पूरी नहीं हुई। जब सत्ता और पावर और करप्शन सब एक जगह जब आ जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोल के एक टर्म है, जब एक जगह पे हो जाता है तो उसका दुरुपयोग होना लाजमी है। तो ये बस इसी का नतीजा है कि आज पश्चिम बंगाल की जनता उससे जूझ रही है। क्या लग रहा है बीजेपी जो लोग बोल रहे हैं कि आने वाली है, आप भी कह रहे हैं, तो वो इससे छुटकारा दिला पाएगी? देखिए लोग हमेशा उम्मीद के तरफ, जहाँ से कुछ उम्मीद आती है लोग उसके तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि और भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार चल रही है, देखने को आता है कि वहाँ पे कुछ कुछ विकास हो रहा है। कल ही मैं टीवी देख रहा था, टीवी नहीं मोबाइल में ही देख रहा था, कोर्ट से तो फुर्सत मिलता नहीं ठीक से, कि एक गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ। तो यहाँ की जनता भी उस तरीके का एक चाहती है कि पश्चिम बंगाल भी विश्व स्तर पर जाना जाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का वैसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल को विश्व स्तर पर ले जाया जा सके। पश्चिम बंगाल जो है उसका एक वैभवशाली इतिहास रहा है, पहले जाना जाता रहा है अपने साहित्य के लिए, कला के लिए, अभी क्या पहचान बची है पश्चिम बंगाल की? अभी क्या है ऐसा कि मतलब बोले कि पश्चिम बंगाल में ये है? मुझे बोलते हुए बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि मैं अभी बंगाल में जन्मा हूँ, अपने आप को बंगाली कहता हूँ, हिंदी भाषी हूँ मगर बंगाली कहने में मुझे गर्व होता है। मगर यहाँ का जो एक साहित्य का इतिहास रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा, राष्ट्रीय गान देने वाले पश्चिम बंगाल की धरती से, स्वामी विवेकानंद की धरती थी, पश्चिम बंगाल की पहचान इन लोगों से थी। मगर अभी कटमनी, एट्रोसिटी, तोलाबाजी, दंगाबाजी, बम बनाना, गौ का प्रचार ये करना, ट्रैफिकिंग, इन सबों से अब जाना जा रहा है। ये बहुत ख़राब लगता है कि पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल की ये पहचान दे दी गई है। इससे अब जनता मुक्ति चाहती है, तो बदलाव इसीलिए ज़रूरी हो गया है। क्या लग रहा है सर, धीरे धीरे जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा भी करना होता है तो हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है सामान्य जनता को? ये देखिए एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है ना, एक वर्ग को खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी एक सेक्युलर कंट्री में। 1976 में भारत को सेक्युलर कंट्री ये किया गया, भारत के संविधान में उसको ऐड किया गया कि यहाँ पे हर
प्रांत के लोग, हर पंथ के लोग खुशहाली अपने इच्छा से अपने धर्म की पालन कर सकें। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का ऐसा पूजा है जो पूरे भारत में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है और 10 दिन ये पहचान है और पूरे 10 दिन यहाँ पे मनाया जाता है। दुर्गा माँ के विसर्जन के लिए भी अगर यहाँ की जनता को हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो इससे दयनीय स्थिति किसी के लिए नहीं हो सकती। अगर मुझे अपने धर्म की पालन के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो इससे दयनीय अवस्था किसी की नहीं हो सकती।